देख पिक्चर में बना नहीं ना सारा ही कर इतने अरसे बाद जो है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक इवेंट पे जाना है, एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, लॉन्चिंग या ओपनिंग जो भी कहते हैं आप लोग। सो वहाँ पे जा रहे हैं और मम्मी के घर ही थी तो मैंने अपनी जो है सिस्टर को कह दिया कि वो चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्विटेशन आते हैं। बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मैं जा नहीं सकती। और ये देखें, मैं आज कितने अरसे बाद इस तरह रेडी हुई हूँ। थोड़ा सा मैंने इस तरह का मेकअप किया है। सो ये मेरा ड्रेस जो मैंने आपको अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग के वीडियो में दिखाया था वो है। और ये मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। सो अभी आगे जाते हैं और बहरिया में है ये, और आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कौन सा रेस्टोरेंट है और क्या सारा सीन है। सो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हसन आ गया है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने क्या कहना, चैनल सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और एंड तक वीडियो देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है जी मेरी फाइनल लुक, ये जो ड्रेस मैंने बनवाया है, और इसके साथ जो है हिजाब मैंने ग्रीन कलर का लिया है। सो अभी चलते हैं और आगे जो भी इवेंट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपन डिबोर ये उठाओ ज़रा, आजकल क्रीम वालों ने लड़कियाँ भी रखी हुई हैं। हाँ यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे और मैं और मेरी सिस्टर ही जा रहे थे। सो उसकी जो है यूनिवर्सिटी से वो आई थी, तो शाम का इवेंट था। और ये हूँ जी मैं, और ये ड्रेस बहुत लोगों को पसंद आया है और ये सफ़ायर का था। सो आई डोंट नो, अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी जो है वो ये अवेलेबल होगा। और ये जो है जब मैंने वीडियो बनाई थी तो सेल से मैंने मंगवाया था तब। सो वीडियो जो है ये काफ़ी पुरानी है और अब जो है मैं टाइम मिला है मेरा वॉइस ओवर करने का, तो मैंने सोचा कि अब जो है वीडियो डाल लेती हूँ। और ये जी मेरी बहन ड्राइव करते हुए और हम दोनों ने साथ सीखा था। सो उसको गाड़ी मिल गई और मैं अब मेरी तो शादी हो गई है। सो वैसे बाय द वे जो है गाड़ी हम दोनों ने साथ सीखी थी, जब बब्बू ने सिखाई थी। तो मैं ज़्यादा अच्छी चलाती थी, लेकिन जो होता है ना कि उसको जल्दी मिल गई गाड़ी और मुझे अभी तक नहीं। सो वो है जी ये नया जो है कैफ़े लॉन्च हुआ था 22x30 और बहुत अच्छा, लाइक सीरियसली इट वाज सो मतलब इतना प्यारा जगह है, प्यारी जगह है बहरिया में, बहरिया फेज 4 इस्लामाबाद। और ये देख सकते हैं बाहर से इसकी ऐसे जो है एंट्रेंस है। और यहाँ पे सबसे जो अच्छा और डिफरेंट जो चीज़ मुझे लगी है ना, ये जो फ्लोर पे जो ग्रास और उसके साथ जो लाइटनिंग की हुई है ना, वो अमेजिंग है। ये आउटडोर प्लेस है और बहुत प्यारा, ये देख सकते हैं आप लोग सारे। और यहाँ पे सारे जो हैं ब्लॉगर्स आए हुए थे, ब्लॉगर्स का मीटअप था। और मतलब लाउंज में यही होता है कि ब्लॉगर्स को इन्वाइट करते हैं, उनके साथ जो है मीटअप होता है। और यहाँ पर जो लाइव म्यूज़िक था, लाइव क्या कहते हैं इसको, पियानो वगैरह बजा रहे थे। सो बहुत अच्छा था, वो सबको डेडिकेट कर रहे थे। और एम्बियंस वाज सो अमेजिंग। और ये जी मेन्यू इनका, मैंने सोचा थोड़ा सा मेन्यू भी आपको दिखा देती हूँ, और जो चार्जेस वगैरह थे वो भी रिजनेबल थे। यहाँ पे जी एज अ ब्लॉगर आप कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते थे और काफ़ी इन्विटेशन आते हैं। सो यहाँ पे हमने स्टार्टर सबसे पहले ऑर्डर किया था, जिसमें वो थे चिकन स्ट्रिप्स थे, बहुत मज़े के थे। उसके अलावा रोल थे, वो मतलब
सो थे, और इसके अलावा जो है चीज़ी रोल था वो भी अच्छा था। सो यहाँ पे जी हमारा मेन कोर्स आ गया है, और यहाँ पे मैंने जो है चाइनीज़ बाउल मंगवाया था, चिली ड्राई चिकन और विद फ्राइड राइस, और मेरी बहन ने जो है मंगवाया था स्टेक। सो यहाँ पे एक पर्सन अलाउ होता है, इनसे मैंने पूछा था कि अलाउ है, तो वो कह रहे थे नहीं, तो मैंने कहा तो मैं अकेली तो नहीं आ सकती ऑब्वियसली, सो इसलिए जो है इन्होंने अलाउ किया था, और सारा जो है फ्री था फूड। सो यहाँ पे एंड पे जो है मीठे में जो है मैंने गुलाब जामुन मंगवाए थे, उसके अलावा जो है मैंने ओरियो शेक मंगवाया था। सो एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, आप लोग ज़रूर यहाँ पे जाइएगा। और सबसे अच्छी जो चीज़ है यहाँ की जो व्यू है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का सिटिंग एरिया है, बहुत प्यारा है आउटडोर, और यहाँ पे आप बर्थडे या कुछ भी आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। सो ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, और यहाँ पे जी अब्बू लाए थे बिरयानी, और ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, सो मुझे अभी टाइम मिला है कि मैं इसको वॉइस ओवर करके डालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत की वजह से और बिज़ी होती हूँ, तो इस वजह से जो है मेरे व्लॉग्स रह जाते हैं। और यहाँ पे जो है हसन आइसक्रीम खा रहा था, जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। सो फाइनली आज जो है टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि जो है वीडियो को अपलोड किया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, आई थिंक एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता तो हो चुका है मुझे, मतलब इस इवेंट से होके आके, और अब मैं इधर हूँ अपने ससुराल, और यहाँ पे जी मुझे वापस भी आना था, और इतने अरसे बाद जो है फीस्ट खा रही हूँ। और तब जब खाती थी पहले बहुत ज़्यादा होता है ना क्रेज़ होता है कि ये खाना है, आइसक्रीम खानी है, ये तो तब आई थिंक 40-50 की थी, और अब जी 100 रुपीज़ की है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। फीस्ट हो गई, कॉर्नेटो हो गई, और आज मैंने भी आना था, वापस जाना था, सो कपड़े स्टिच करवाने थे, सो इसलिए जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे जी मम्मी बना रही हैं पुलाव, बीफ पुलाव, इतने अरसे बाद आई थिंक 2.5 महीने हो गए हैं कि मतलब मेरा खाना पीना जो है बहुत ज़्यादा वो हुआ था, डिस्टर्ब हुआ हुआ था। सो फाइनली अब जो है खाना स्टार्ट किया है। सो इतना भी बीफ वगैरह नहीं खाना, लेकिन चावल वगैरह खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो इतना रिलीफ है ना कि आपको बता नहीं सकती कि 2.5 महीने से जो है सादी रोटी खा रही थी चाय के साथ या अचार के साथ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।